हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मटेरियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मटेरियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग किस तरीके से करते हैं, हमने बहुत जगह पढ़ाई किया, हमने बहुत जगह क्लास में देखा कि कहीं टन बकल यूज़ कर लेते हैं, कहीं हमने चैन ब्लॉक यूज़ कर लेते हैं, कहीं एक्सेट्रा हम जिस तरीके से भी यूज़ कर लेते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक कंफर्मेशन, एक कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग कोई भी मटेरियल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे और देखने के बाद उस मटेरियल को उठाने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी किया जाता है और हम किस तरीके से करते हैं। और इसमें मैं आपको एक वीडियो, एक एग्जाम्पल भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने कोई बुक में पढ़ा होगा या आप कोई ट्रेनिंग लिए होंगे, उसके अंदर देखे होंगे कि मल्टीपल एक देख रहे, दो तीन आपको मटेरियल उठाने का एक तरीका बताया जा रहा है जिसके अंदर देख रहे हैं आपको यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रहा है, किसी में कुछ और बता रहा है, तो कुछ उठाने के बाद एक तरफ लोड जा रहा है, झुक रहा है। तो आप जैसा ये स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वीडियो में, आप इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट में टन बकल का भी यूज़ किया जा रहा है और आपने कहीं कहीं साइड पर आप देखा होगा कि चैन ब्लॉक का भी यूज़ किया जाता है। एक तरफ सीलिंग्स को लगाते हैं, एक तरफ चैन ब्लॉक को लगाते हैं। तो ये आखिर मकसद क्यों है, इसको लगाने का मतलब क्या है? लेकिन आप जो वीडियो में देखेंगे, उस वीडियो में आप देखेंगे कि डी साइकिल का मतलब बो साइकिल का यूज़ करके उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया गया है। तो ये क्या सही है या गलत? तो आज इस वीडियो में मैं यही क्लियर करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये सही है या गलत। जैसा मुझे एक पॉइंट याद है कि जब भी हम कोई हैवी लिफ्टिंग उठाते हैं, अगर हम नॉर्मल लिफ्टिंग उठाते हैं तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना नहीं देखा जाता है, लेकिन उसमें भी हमें देखना चाहिए। जब हम एक हैवी लिफ्टिंग उठाते हैं तो वहाँ पर हमें एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल का ज़रूर देखना होता है। जिसको हम कैसे देखते हैं, जैसे हम लोग वाटर लेवल से देखते हैं या हमें पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो सीलिंग्स को ग्रेविटी बनाकर रखे मटेरियल को। हम लोग देखा गया कि एक जगह का स्टोरी है जो मैं आपको सुनाऊं कि हमें एक हैवी लिफ्टिंग करना था। जब वो हम हैवी लिफ्टिंग करने के लिए सीलिंग्स वगैरह लगाए तो लगाने के बाद सीलिंग्स प्रॉपर नहीं हो रहा था, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रॉपर मटेरियल का नहीं बन रहा था। तो हमने काफ़ी कोशिश किया, कितने लोग ने काफ़ी कुछ अलग अलग बारे में सोचा कि हम यहाँ से ये कर ले, हम लोग यहाँ से साइकिल को छोटा कर दे या हमसे बड़ा कर दे। तो आखिरकार वो एक दिन काम रुका रहा, दूसरा दिन हम लोग नेक्स्ट टाइम आए। नेक्स्ट टाइम आने के बाद हमने खुद आइडिया लगाया कि नहीं, हम लोग एक बार चेक करते हैं, इसके अंदर एक साइकिल और डालेंगे, हम लोग सेम कैपेसिटी का साइकिल और बढ़ाएंगे हम लोग। जैसे हम लोग एक तरफ का एक साइकिल को और बढ़ाया तो हमारा मकसद पूरा हो गया जो ग्रेविटी हमें करना था। तो हमें कुछ इस तरीके से भी करना चाहिए, जैसा आप इस वीडियो में अभी देख रहे हैं, जैसा अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, ये वीडियो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक कंटेनर शिप किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कंटेनर की एक तरफ एक साइकिल लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं वहाँ पर तीन साइकिल का यूज़ किया गया है। क्या ये साइकिल लगाना सेफ है, अनसेफ है? आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन कैपेसिटी के अनुसार ही होना चाहिए। कभी भी आपको कैपेसिटी से कम नहीं उसके अंदर यूज़ करना चाहिए। ये हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज़ करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा इस वीडियो में देख रहे हैं काफ़ी लोगों का कुछ कमेंट होगा कि या कोई किया नहीं होगा तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। कहीं भी आप देखे होंगे कि कोई क्लास में, रीगर के क्लास में, ट्रेनिंग क्लास में इन चीज़ों को नहीं सिखाया जाता कि आप किस तरीके से लोड बांधना है, आपको किस तरीके से मटेरियल शिफ्ट करना है। बस वहाँ पर एक एक आपको एक मोमेंट सिखा दिया जाएगा कि ये सही है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, या कुछ इस तरीके से आपको सिखा दिया जाएगा। लेकिन जो हम सीखते हैं वो हम साइड पर प्रैक्टिकल सीखते हैं। जैसा मैंने आपको एक कहानी भी बताया कि किस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीलिंग्स का करते हैं मटेरियल के अनुसार। तो आप जैसा आप देख रहे हैं सेकेंड मेथड, चैन ब्लॉक। चैन ब्लॉक से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? जैसा आप देखे होंगे चैन ब्लॉक का जो डिज़ाइन है उठाने के लिए, उसको हम लोग वर्टिकली उठा सकते हैं।
लेकिन चैन ब्लॉक कभी भी हम लोग एंगल में या हॉरिजेंटल में यूज नहीं करना चाहिए, सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। अगर एंगल में अगर हम लोग अगर चैन ब्लॉक को यूज कर रहे हैं तो लास्ट लास्ट हमें 60 तक रखना ही चाहिए, या उससे ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में 45 तक जा सकता है, लेकिन हमें कैपेसिटी को लेस कर देना चाहिए, क्योंकि जो उसके अंदर जो चैन ब्लॉक के अंदर जो स्प्रिंग होता है वो फेलियर होने का चांस है। हमने अपने लाइफ में काफी ज्यादा चैन ब्लॉक फेल होते हुए देखा है, तो इसलिए आप इन चीजों को अवॉइड करें। आप उसके जगह पर टर्न बकल यूज करें, टर्न बकल बहुत ही सेफ है, और लेकिन आपको उसमें एडजस्टमेंट करना होगा। काफी जगह पर आप देखे होंगे कि ये सबसे ज्यादा जो टर्न बकल है काफी बड़े बड़े भी होते हैं, ऑफशोर में भी काफी बड़े बड़े टर्न बकल होते हैं। और जब आप देखे होंगे कि जब टर्बाइन का कोई लिफ्टिंग हमें करना होता है वहां पर भी आप देखे होंगे कि स्पेशल सीलिंग के अंदर वहां पर भी एक टर्न बकल होता है, लेकिन टर्न बकल काफी इजी होता है और आप उसे काफी यूज कर सकते हैं। आपने ये वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आपको सीख जरूर मिला कि हम मटेरियल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी करने के लिए वहां पर साइकिल का एक्स्ट्रा साइकिल का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये आपको एक हैवी लिफ्टिंग में करने की जरूरत होगी। तो आई होप आप इस वीडियो को समझ गए, अगर समझ गए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद।